हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम टेरू दिव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके बेडरूम के बारे में। बेडरूम कैसा होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेडरूम के बारे में। बेडरूम में कभी भी डार्क कलर का पेंट ना करवाएं। पेंट का कलर हमेशा लाइट होना चाहिए, जैसे लाइट ब्राउन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू और क्रीमिश। अब बात करते हैं आपके बेड की। बेड हमेशा एक रेगुलर शेप में होना चाहिए, कभी भी राउंड बेड अपने बेडरूम में ना लगाएं। और दूसरी बात, लोहे का बेड कभी यूज़ ना करें, बेड हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, कभी भी दरवाजे के बिल्कुल सामने बेड ना रखें और आपके बेडरूम का जो दरवाज़ा हो वो भी 90 डिग्री ओपन होना चाहिए, यानी कि वह पूरा खुलना चाहिए। बात करते हैं बेडरूम के मैट्रेस की। हो सके तो वन पीस मैट्रेस ही रखें। अगर आप दो पीस मैट्रेस रखते हैं तो आपसी मनमुटाव या झगड़े कपल्स में देखे गए हैं। बेडरूम में कभी कोई मिरर ना रखें। अगर आपके बेडरूम में कोई टीवी लगा है या एलईडी लगी है तो जब वो यूज़ नहीं हो रही तो उसे ढक कर रखें। आप जब भी बेडरूम में सोएं तो आपका सिर कभी भी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। सबसे सही डायरेक्शन है साउथ ईस्ट या वेस्ट। ईस्ट में सिर रख के सोने वालों को अक्सर हेडेक की प्रॉब्लम देखी गई है, जो मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये थी बेडरूम के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। जलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।